वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। बड़े दिनों बाद मैं आज ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और ये ब्लॉग हमारे कहीं मतलब आउटडोर का नहीं है, ये इनडोर का ब्लॉग है। मैं आज आपको दिखाता हूँ मतलब मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त आज स्टैंड मंगाया है। किससे मंगाया भाई? जोमेटो से, फ्लिपकार्ट से मंगाया है। इसमें बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्रिय आर्टिस्टों का चाह, जिसे कहते हैं ना कि गर्लफ्रेंड होना चाहिए तो आर्टिस्टों के पास एक ये चीज़ होना चाहिए, जिसे कहते हैं हम मोबाइल स्टैंड। आज हम अपने स्टैंड को देखते हैं, आज आ गया ये स्टैंड मेरे पास है। ये देखो फ्लिपकार्ट का बॉक्स, आज मैं इसे ओपन करूँगा तो आप देखिएगा इस स्टैंड को कैसा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्टैंड का दाम बताता हूँ, प्राइस बता दूँ मैं कितना है। ये 750 रुपये का पड़ा है, क्योंकि इसका मतलब नॉर्मल स्टैंड है 700 रुपये का। इसमें एक ऊपर से छोटा सा, जानते हो ऑनलाइन का ज़माना है, सब पैसा कमाते हैं, लेकिन ये चूतिया नहीं कमाए, मतलब थोड़ा सा टैलेंट है इन लोगों के अंदर। तो मैं चीज़ों को दिखाता हूँ, ऊपर कुछ एक ज़्यादा चीज़ दे दी है तो मैं उसे भी दिखाता हूँ, तो उसके उसी लिए 50 रुपये एक्स्ट्रा हो गया है। भाई डिलीवरी चार्ज फ्री था, डिलीवरी चार्ज फ्री था। रिंकू भाई को दिखा नहीं सकता, किस लिए वो अभी खाना खा रहा, इसलिए मैं उससे पूछ रहा हूँ, ठीक है। अनुराग भाई को दिखा नहीं सकता क्योंकि वो थोड़ा बेकार व्यवस्था में है, तो फिर देखते हैं इसको, इसको ओपन करते हैं फिर। ये भैया देखो, पत्थर पत्थर भर के ना दे दिए हो। स्टैंड आपको कैसा लगा हमें बताइए ज़रूर। आज मैं सुबह मतलब सो उठा, सुबह सुबह आ गया ये फ्लिपकार्ट वाला, तो मैं सोचा क्या नहाऊँ धोऊँ तो हमका पहले ब्लॉग ही शूट कर लेते हैं आप लोगों के लिए। अभी तक कैसे कैसे क्या सिस्टम है, 180 फोल्ड हो सकता है, इधर से ये कैमरा सब इसमें बना कर बाकायदा समझाया गया है। चीज़ों के साथ मैं अपना ये ब्लॉग समाप्त करता हूँ। आप हमें बताइए कि हमारा स्टैंड आपको कैसा लगा, और आपके पास है तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरे पास ये स्टैंड है और इसे किस तरह यूज़ किया जाता है, ये भी बता दीजिए। क्या पता हम लोग कुछ चीज़ ना जान पाए, ठीक, क्योंकि अभी हम लोग नए नए चीज़ लिए हैं, तो नए नए चीज़ों को यूज करना और उसके एक प्रकार से उसके सामने विगनर बनना ही रहना। चीज़ों के साथ मैं अपना वाणी समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप अपना ध्यान रखिए और अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए। तो चलते फिर बाबा इसी तरह हसीन हसीन ब्लॉग में हम लोग इस तरह मिलते रहेंगे। आज देखिए शायद हम लोग कहीं बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर होता है तो फिर ब्लॉग बनाऊंगा। फिर बाय, अलविदा लेते हैं सब चीज़ों से।